हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और आज के जो टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने कल बताया था, सूखे से संबंधित होगा, सूखे के प्रबंध से संबंधित होगा, बाढ़ से संबंधित होगा, बाढ़ के मैनेजमेंट से संबंधित होगा, और साथ में जो ओशनोग्राफी है, सामुद्रिक अध्ययन, उसके बारे में वृहत में चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है YouTube अनअकैडमी में दोस्तों। एक बार मैं देख लूं अपने मोबाइल में कि आवाज प्रॉपर आ रही है क्लास के लिए या नहीं, उसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लेने में ही फायदा होता है, क्योंकि बीच में कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। और ये बिरयानी का एड पता नहीं कब खत्म होगा, विद इन 2 और 3 सेकंड। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक आज का जो हमारा संबंधित है जलवायु, क्लाइमेट और ओशनोग्राफी से। और टॉपिक शुरू करते हैं आज ये रहा। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube अनअकैडमी कृपा शंकर। और अनअकैडमी, आप जैसे सभी को पता है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां अपने घर से सोशल डिस्टेंसिंग को बना के सुचारू रूप से कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें आने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, योगेश राय, आई एम वेटिंग सर, हाय, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मोटिवेशनल, मनीष जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था, ओशनोग्राफी यानी सामुद्रिक अध्ययन के बारे में बात की जाएगी। लेकिन कल का जो टॉपिक हमारा छुटा हुआ था वो था क्लाइमेट से। क्लाइमेट का टॉपिक जो मैंने आपका, मानसून, मानसून की स्थिति, मानसून की उत्पत्ति, मानसून के क्षेत्र और मानसून से होने वाली बरसात, प्रति चक्रवात और चक्रवात, इस सबके बारे में चर्चा करी थी। तो आज का जो उसका टॉपिक थोड़ा सा छूटा था वो था सूखा और बाढ़ से संबंधित था। लेकिन पढ़ने पढ़ाने पर मैं आऊँ तो चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले हम अनअकैडमी आपको प्रोवाइड क्या क्या कराता है, बहुत छोटे से रूप में बताते हैं। अनअकैडमी जो है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेट्स यूपीएससी सीएससी क्रैक टुगेदर। तो उसके बाद में जो अनअकैडमी है, ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां ऑनलाइन घर बैठे ही करवा देता है। जैसे सभी को पता है COVID-19 का जो समस्या चल रहा है, इसकी वजह से आपके किसी भी शहर में आपके जो है इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं। तो बस सभी के पास आजकल मोबाइल तो होता ही है, घर में एक मोबाइल हो, उसमें डेटा कार्ड हो, तो आप अपनी क्लास सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हो। अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आप अपनी क्लासेस जो है, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको, ये है डेली लाइव क्लासेस। और डेली लाइव क्लासेस के साथ है डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस के बारे में है, और स्ट्रक्चरल कोर्सेज हैं कि जो सिस्टमेटिक प्लान होगा। जैसे कोई टॉपिक आपने ए से शुरू किया, जेड पे एंड किया, तो अगर आपको किसी में के से स्टार्ट करते हैं तो जो के से स्टार्ट करोगे जेड तक जाओगे, और जेड से फिर ए और ए से फिर के, यानी कि सारे के जो कोर्स होंगे वो आपके सिस्टमेटिक ढंग से पूरे होंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आप लाइव क्लास में भी लॉग इन करके अपनी क्लास देख सकते हो, और किसी वजह से अगर आप बिजी हो, लाइव नहीं जा सकते, तो रिकॉर्डेड क्लास को भी आप जाके देख सकते हो, चाहे वो एक दिन के बाद हो या 2 दिन के बाद हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हो। और चाहे किसी के पास एंड्रॉयड फोन हो या फिर एप्पल वाला जो आईफोन होता है वो हो, आप अपने एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर या गूगल प्ले पे जाके ये जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है इसको आप डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर एंटर कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अनअकैडमी जो है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो क्लास होंगी 2 टाइप से होती हैं, तो फ्री में भी मिल जाती हैं, कुछ क्लासेस पेड होती हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे आप अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां हैं वो टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ के कर सकते हो, जिसमें आपको एजुकेटर्स जो होंगे या टीचर्स या मेंटर्स, वो आपको पढ़ाएंगे कि पढ़ना कैसे है, तो आप जानते हो, लेकिन पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कैसे करना है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको दशहरा से पहले वाली क्लास में बताया था कि अनअकैडमी फीस के बारे में कुछ चेंजेस करने वाला है, तो जो स्ट्रक्चर है फीस का उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। और जैसे कि नया कोर्स की ड्यूरेशन आई है हिस्ट्री के,
20 अपकमिंग कोर्स है, और जो से मेरा ज्योग्राफी है उसके 20 अपकमिंग कोर्स हैं। तो जो भी आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की मेंस की तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स 2021 की, तो दोनों ही आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये कोर्स आपका 34 सेक्शन में पूरा होने की संभावना होती है। डिपेंड्स ऑन कि टॉपिक कुछ अपडेट तो नहीं हुआ। फीस के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी आपको देगा, एक महीने की फीस लेगा आपसे 9,000 रुपए, जिसमें कोई भी डिस्काउंट मेंशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से 12 मंथ यानी कि एक साल का अगर आप फीस देते हैं तो वो पड़ेगी आपकी 49,500 रुपए। कितनी पड़ेगी? 49,500 रुपए। अब इसमें आप, जैसे कि मेरा नाम है कृपा शंकर, सभी को पता है KRIPA, और न्यूमेरिक में 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिक में 1 ऐड कर देते हैं। तो आपको इस वाली फीस पे 49,950 रुपए पे या 49,500 रुपए में 10% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक से यहाँ देखिए, जो 12 महीने में जो फीस मेंशन की गई है ना, इसमें 54% का डिस्काउंट अलग से है, वो लगने के बाद हो जाती है 49,500 रुपए। फिर इस पे आपका 10% का डिस्काउंट और होगा, जो आपका बनेगा 4,950 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा, लगभग 5,000 रुपए का हो जाएगा ये। तो 44,000 कुछ रुपए फीस पड़ने वाली है। मैथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना आप। और डोंट फॉरगेट एंटर टू माई बटन, जो आपका कोर्स का है, मेरा वाला सब्सक्रिप्शन का, वो है दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा बताना जरूरी होता है, ये हमारे ना प्रोटोकॉल से संबंधित है, वरना मैं कोर्स का पढ़ाई तो मैं शुरू से ही कर दूं। और आई होप आप इस चीज को समझते होंगे यार। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की जा रही थी, और कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था क्लाइमेट का टॉपिक था, लेकिन क्लाइमेट के टॉपिक में पढ़ा क्या क्या था हमने, वो पढ़ा था हमने इंडियन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो था हमारा मानसून। तो थोड़ा सा एक बार छोटा सा ब्रीफिंग लेंगे उसका। दोस्त मनीष, आप अभी ऑनलाइन हो क्या? योगेश राय, आप ऑनलाइन हो तो प्लीज एक बार हेलो लिखो। शायद ये मनीष कल ऑनलाइन थे। योगेश तो नहीं होंगे, 7:25 पे लिखा रहा है कि आई एम वेटिंग सर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। दोस्तों जो मैंने मानसून के बारे में कल आपको बताया था, मानसून की अवधि के बारे में बताया था, और उसकी दो अजम्पशंस थी, दो कॉन्सेप्ट था, एक था ओल्ड कॉन्सेप्ट और था न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि जो स्थल यानी कि लैंड है और वाटर है ओशन, उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस होगा, उसी की वजह से मानसून क्रिएट होता है। न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया टेम्परेचर ही एक इसका कारक नहीं है, इसके कारक बहुत सारे हैं, जैसे कि तिब्बत का प्लेट्यू, हिमालय की संरचना, अरब सागर, हिंद महासागर की संरचना, और अरावली रेंज का होना, और कैरेबियन और जो बैकाल लेक है उस साइड से हवाओं का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइड में आना, और पेशावर के आसपास लो प्रेशर क्रिएट करना, और लो प्रेशर क्रिएट करने के बाद जो हवाओं में परिवर्तन होगा वो वहां पे एब्जॉर्ब करना, और जिससे भारत में बरसात हो जाती है। ये तो बेसिक बेसिक सा था। और ये भी बताया था कि मानसून श्रीलंका वाले तट से स्टार्ट होकर केरल पे पहुंचता है 15 मई तक, फिर 15 जून तक ये महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचता है, उसके सहारे यानी कि अरब सागर से जो प्रेशर मिलता है, हवाओं का निम्न प्रेशर मिलता है, निम्न वायु दाब, वो पश्चिमी घाट के सहारे ये उठते उठते चला जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर अरावली तट पे ये जाके क्रॉस मारता है, फिर ये टक्कर मार के चल जाता है आपका उत्तर प्रदेश के साइड को, फिर ये पूरा यूपी, बिहार, असम वाले जो चिकन नेक है वहां से घुसते हुए बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करता है। और आप सभी को पता है जो वहां पे एक मेघालय नाम के स्टेट है, वहां पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती, जब वहां पे ये माउंटेन सॉरी मानसून एंट्री करता है तो ये यहीं पे एक लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो बरसात यहीं पे हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा बरसात भी यहीं पे होती है, आप सभी को पता है, जो मौनसीराम और चेरापुंजी नाम की जगह है। और ये आपका अगर मेघालय है तो नीचे आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो यहाँ से आपके साइक्लोन भी बनेंगे, एंटी साइक्लोन भी बनेंगे, तो ये प्रेशर ऊपर उठेगा, इधर से भी प्रेशर आएगा, तो इस मौसम में या इस जगह पे हमेशा बरसात बनी रहती है। चलो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया कल का दोनों कॉन्सेप्ट का, ओल्ड और न्यू। चलो शुरू करते हैं अब।
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रोफेसर आर एल सिंह है, प्रोफेसर आर एल सिंह साहब ने बताया था कि जो भारत में जो जलवायु है या जो जलवायु क्षेत्र है वो 10 प्रकार के हैं, लेकिन वो 10 हैं कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा तो करेंगे करेंगे और साथ में मैप के बारे में भी पढ़ेंगे। और मैप के बारे में पढ़ेंगे तो भैया थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा, जरा मैं इसको देख लूं ये कहाँ था। ऐसे तो ये मिलने से रहा, और अलनीनो का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कल समझाया था, अलनीनो, इसके अलावा कुछ और भी था। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो हैंड टू हैंड पूछ लिया करो, कल पे मत छोड़ा करो। चलो कोई बात नहीं, पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जलवायु का वर्गीकरण। हिंदी में लिख देता हूं, वो जो टॉपिक में ढूंढ रहा था वो मिल नहीं रहा, भारतीय जलवायु का वर्गीकरण। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर आर एल सिंह साहब हैं, ही क्लासिफाइड इंडियाज क्लाइमेट इनटू 10 पार्ट्स। देन व्हाट आर द 10 पार्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम जो है उसका नाम है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेनी सीजन, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में जो हम आज का अध्ययन करने वाले हैं, द ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट अंडर द क्लाइमेट ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब किसी बच्चे ने अगर इंडिया का पार्ट ठीक से देखा होगा, इसको ठीक से देखेंगे, इसमें ये कहा जाता है कि जो ये पार्ट है इसमें लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक होगी, जो एवरेज बरसात होगी ना, एवरेज रेन, वो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एवरेज रेन ऑफ दिस एरिया, एवरेज रेन ऑफ दिस एरिया मोर देन 250 सेंटीमीटर एनुअली। अब 250 सेंटीमीटर एनुअली है तो अब इसके सहारे आप चढ़ते जाएंगे ऐसे करके, इसको ठीक से देखेंगे, ये आपका नीचे जाके क्या बनेगा, पूर्वी घाट बनेगा, है ना, पूर्वी घाट, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट या ईस्ट कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट बन रहा है तो इसकी जो भू आकृति है ठीक से देखेंगे, ये जो असम वाला एरिया है और ये शिलोंग वाला एरिया, तो असम का जो एरिया है इसका कुछ कुछ ऐसे करके है, ये इस टाइप से, ये जो छोटा सा रास्ता है इसको बोला जाता है चिकन नेक, है ना। और जो ये पूर्वी घाट वाला रास्ता है, थोड़ा सा मैंने ये इसके अकॉर्डिंग गलत सेट कर दिया, ये मेघालय के नीचे से आगे वेस्ट बंगाल से आगे ये बनता है, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट। अब इसके सहारे जो ये मानसून की पवने इधर आ रही है, तो ये जो त्रिपुरा का एरिया आप देखेंगे ठीक से, ये नीचे की तरफ जा रहा है, भू आकृति जो है इस पे विशेष रूप से देखेंगे, असम के नीचे का जो ये थोड़ा सा लाइट पिंक वाला एरिया है, ये वाला, ये काफी नीचे से लटका हुआ टाइप का है, तो यहाँ तक ये पवने पहुंच नहीं पाती, क्योंकि यहाँ ये जो है एक टाइप से माउंटेन्स रेंज है असम में भी मेघालय में भी, जिसको हम बोलते हैं बैंड हिमालय और डूबा हुआ हिमालय है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बरसात होगी इस एरिया में, जिसको मैंने बोला है द ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, द ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, हिंदी में बोलेंगे इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, इसको आप ठीक से देख लेंगे यही है। और जो इसमें एवरेज एनुअल रेन है वो है आपकी 250 सेंटीमीटर पर ईयर। और इसके बाद जो है ये जलवायु पूर्वी घाट तथा त्रिपुरा में भी पाई जाती है, त्रिपुरा अगरतला वाला एरिया, ठीक है ना। अब जो दूसरे टाइप की हमारे पास कॉन्सेप्ट है
वो है हमारी द ह्यूमिड सह्याद्री वेस्टर्न कोस्ट। अब ये जो हमारा इस टाइप का एरिया है, ठीक से देखेंगे, ये गुजरात के कोस्ट से ये जो एरिया है हमारा नीचे तक का, यानी कि कन्याकुमारी तक का एरिया, ये आपका कहलाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट, और इसके अलावा इसका नाम है सह्याद्री। सह्याद्री अब ये ऐसा है क्यों? अब इसकी जो संरचना है, ह्यूमिड सह्याद्री वेस्टर्न कोट, इट स्टार्टेड फ्रॉम माउथ ऑफ द तापी रिवर। माउथ ऑफ द तापी रिवर, तापी रिवर का जो ऑरिजिन पॉइंट है, जैसे कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, दक्कन, यहाँ लिखा ना उत्तरी दक्कन, ये दक्षिणी दक्कन, ये दक्कन के प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी स्टेट का नाम है ही नहीं ऐसे, तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये अरब सागर में जाके ये गिरती है, और अरब सागर में जहाँ इसका मुहाना है, यानी कि माउथ है, माउथ ऑफ तापी रिवर, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, माउथ ऑफ तापी रिवर से, यानी कि यहाँ इस वाले पॉइंट से ये नीचे को है आपका, कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। अब इसके मुहाने पे जहां तक भी है, जो यहाँ पे बरसात होगी एनुअल, वो होगी आपकी 25 से 75 सेंटीमीटर। एनुअल रेनी सीजन वो है आपका 25 से लेके 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। और इसके जो टेम्परेचर है पूरे भारत में, देखो टेम्परेचर दो भाग में बटा होता, एक तो होता जनवरी तक का टेम्परेचर जो 6 महीने वाला होता, एक होता जुलाई वाला टेम्परेचर, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं फर्क मिलेगा ना। तो जनवरी का जो टेम्परेचर होगा इसमें आपका ह्यूमिड सीजन में, सह्याद्री वाले सीजन में, वो होगा 25 से लेकर 27 डिग्री के आसपास तक। कहाँ पे होगा? 25 से लेकर 27, किसी किसी बुक में ना ये आपका 30 तक भी लिखा होता है, 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें दिख रहा है ना। हाँ, और जुलाई का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 18 से लेकर 25 डिग्री तक टेम्परेचर। ओहो, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये जो टेम्परेचर है ये जुलाई का है 25 से लेकर 27, और 28 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये है आपका जनवरी का टेम्परेचर। इसको ठीक से याद रख लेंगे, और जो इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद इसे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ताकि किसी टाइप का आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं रब कर देता हूँ ठीक से, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं कॉपी में लिखते रहो ताकि आपकी याद रहे। पीडीएफ तो आपको मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की जलवायु के बारे में, यानी कि ह्यूमिड सह्याद्री। कुछ और तो जुड़ नहीं रहेगा इसमें भी, यानी कि वेस्टर्न घाट या सह्याद्री। अब जो वेस्टर्न घाट है वो स्टार्ट तो हो रहा है आपका कोस्टल लाइन गुजरात से, और जाता कहां तक है, ये आपका जाता है कन्याकुमारी तक। अब जो आपका ये ह्यूमिड है सह्याद्री, वो स्टार्ट हो रहा है तापी नदी के मुहाने से, स्टार्ट फ्रॉम माउथ ऑफ तापी रिवर। तापी रिवर का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र में ही है, सतपुड़ा की रेंज से, और ये जहां पे ये ओरिजिन पॉइंट है उसका जो माउथ है, तापी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सतपुड़ा है, और जो माउथ है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी। तो यहां से इसका स्टार्ट है और एंड पॉइंट है इसका कन्याकुमारी में। दूसरा, यहाँ पे जो एवरेज एनुअल रेन है वो है 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर। दूसरा कॉन्सेप्ट,
और जो थर्ड टॉपिक है इसमें, टेम्परेचर जो है भारतीय जलवायु का, वो दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट तो होता है इसका जनवरी का सीजन और दूसरा होता है इसका जुलाई का सीजन। तो जनवरी के सीजन में जो मौसम होगा वो होगा यहाँ पे 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग एवरेज रहता है, और जुलाई में रहेगा 25 से लेके 28 से लेके 30 तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो चीजें आप इसमें याद रखेंगे, एज बी एंड सी। अब तीसरा टॉपिक जो इसमें आने वाला है वो है ह्यूमिड साउथ ईस्ट। ह्यूमिड साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं। ये इंडिया का मैप है, ये आपका ईस्टर्न साइड है, ये आपका वेस्टर्न साइड है, और ये आपका नॉर्थ और नीचे साउथ। तो साउथ ईस्ट कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट जो हो गया ये आपका पूर्वी घाट से संबंधित है, लेकिन पूर्वी घाट के अलावा इसमें वो सारे क्षेत्र हैं जो बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने स्थित हैं। इस टाइप से ये जो ब्लैक मार्किंग है ये कहलाएगा आपका ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट। अब साउथ ईस्ट क्लाइमेट की बात करूं, इट इफेक्टेड टू विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। जितने के जितने अभी पूर्वी तट पर पड़ेंगे या साउथ ईस्ट तट पर पड़ने वाले राज्य होंगे वही तो इसको प्रभावित करेंगे। अब जो इसमें कहा गया है ह्यूमिड साउथ ईस्ट में, इसका जो एवरेज एवीजी एनुअल रेन है वो सेम इसी की तरह है। जैसे ज्यादा बरसात जो है पूरब में होती है, लेकिन एवरेज माना है तो 100 से लेके 220 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे सीजन होगा जनवरी का और जुलाई का, ज्यादा ह्यूमिड मिलेगा तो जुलाई का जो होगा 25 से 27 होगा, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनवरी का यही होगा 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा गर्मी है, पसीना ज्यादा आता है, और एवरेज जो रेनफॉल है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट का ज्यादा है। तो तभी यहाँ पे जो राइस का प्रोडक्शन है, चावल की जो खेती है वो मैक्सिमम है और ज्यादा प्रदेशों की कंपैरिजन में। वेस्ट बंगाल में आपको पता है चावल अच्छा होता है, तमिलनाडु में तो इतना चावल होता है कि एक साल में लगभग 3 बार वो चावल की खेती ले सकते हैं। अब जो नया है वो है आपका सब ह्यूमिड ट्रांजिशंस। इसको बोला जाएगा अल्प आद्र संक्रमण। अब अल्प आद्र संक्रमण में ठीक से अगर मैंने मैप दिया होगा, नहीं लिया मैंने मैप इसमें, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा रखा है। ये देखो आप, ये भारत का मैप है ना, इस टाइप से उत्तरी भारत का कश्मीर वाला एरिया, ये उत्तराखंड वाला एरिया हो गया इस टाइप से। तो यहाँ पे ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पे जितने भी मानसून से बरसात हो रही है, गंगा की जो निम्न दाब बनेगा गंगेटिक जोन में, तो वो बरसात भी वहीं कर देता है, क्योंकि पहाड़ भी उधर ही है उत्तर भारत के। वो जो हवाएं होंगी वो नेपाल की साइड से टकरा के फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि पहाड़ की जो हाइट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो सब ह्यूमिड ट्रांजिशंस या अल्प आद्र संक्रमण क्रिएट करेंगी कहाँ पे? गंगा के क्षेत्र में। और गंगा के क्षेत्र में ये करने के बाद, देखो उत्तर भारत के लोग जानते होंगे जैसे कि दक्षिण भारत के लोग जानते हैं, जो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है वो है 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर। और जो जुलाई का टेम्परेचर, जैसे कि सभी को पता है टेम्परेचर दो भाग में डिवाइड है इंडिया में। एक तो जनवरी का मौसम विज्ञान कैलकुलेट करता है एवरेज जनवरी सीजन में, और दूसरा करता है जुलाई सीजन में। तो जो एवरेज है वो जुलाई का है 25 से 40 डिग्री। देखा होगा आपने बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, इतना भी होता है कि पानी भी उबल जाए, किसी किसी क्षेत्र में ये आपका 50 के आसपास तक भी जाता है। और जनवरी में जो एवरेज टेम्परेचर है वो है हमारा 10 से भी जाता, 8 भी जाता है, एवरेज मानेंगे 10 से 25 के बीच में, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में 25 से काफी ज्यादा नीचे रहता है और 10 से भी काफी ज्यादा नीचे रहता है। तो अल्प आद्र संक्रमण, द सब ह्यूमिड ट्रांजिशंस रिलेट्स इन गैंगेटिक प्लेन वेयर द
एनुअल एवरेज रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है ना, और इतनी अधिक वर्षा होने के कारण ये एक टाइप से फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड है तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो एलुवियल होगी, क्योंकि एलुवियल दो टाइप की होगी, न्यू और ओल्ड दोनों होगी, और टेम्परेचर क्रिएट द मॉइस्चर इन द क्लाइमेट एंड इट मेक वेरी फर्टाइल टू लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज वेरी हाई। जनवरी में टेम्परेचर होगा, द जनवरी टेम्परेचर इन दिस एरिया ऑफ गैंगेटिक जोन 10 to 25 degree एंड इन जुलाई सीजन 25 to 40 degree ऑलमोस्ट। दैट डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। फ्रेंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। आवाज आ रहा है ना, एक बार चेक करके बताना ठीक से। नंबर नेक्स्ट, सब ह्यूमिड लिट्रल। सब ह्यूमिड के बारे में जो हम बात करेंगे वो है अल्प आर्द्र तटीय जलवायु। तटीय जलवायु, मिडिल क्लास फैमिली, दो रूम होते हैं भैया, कोई भी आ सकता है ना। अल्प आर्द्र तटीय जलवायु, सब ह्यूमिड लिट्रल। अब ये जो है आपका, ठीक से देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग, अगर आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, ये इंडिया का मैप है और आपको पता है कोरोमंडल इधर है पूर्वी घाट पे, कोरोमंडल, और इधर है हमारा मालाबार। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोरोमंडल की बात करेंगे, पूर्वी घाट की बात करेंगे। द क्लाइमेट फाउंड कोरोमंडल कोस्ट एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पे 28 to 38 degree, मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिड है, 28 degree to 38 degree centigrade एंड एवरेज। ये तो हो गया आपको जुलाई का टेम्परेचर है इस सीजन में, और जनवरी का टेम्परेचर होगा 20 to 30 degree centigrade एंड एवरेज रेनफॉल इज 100 to almost 200 centimeter पर ईयर। सब ह्यूमिड लिट्रल के बारे में जो बता रहा था उसको बोलते हैं अल्प आर्द्र तटीय जलवायु। अल्प मतलब थोड़ा, आर्द्र मतलब ट्रॉपिकल, और तटीय मतलब कोस्टल, और जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो इसकी जो बात कर रहे हैं अल्प आर्द्र की, तो इससे पहले हमने कहां की बात की थी, देखो पहले हमने बात की थी ह्यूमिड साउथ ईस्ट, अब ह्यूमिड के अलावा हमने क्या सीजन पकड़ा, सब ह्यूमिड। ठीक से देखना इसको, सब ह्यूमिड है ये, तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस है। जैसे आप इसको अगर हम ठीक से चले, हम इस वाले मैप को ठीक से पकड़ के देखते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ये जो आपका पूर्वी तट है ना, इसपे जो है बरसात यानी कि एनुअल सीजन वो है एनुअल रेनफॉल 100 to 200 centimeter पर ईयर। अब इसके जो हम अंदरूनी एरिया में जाएंगे, गोदावरी ईस्ट, गोदावरी वेस्ट, उसके अलावा जो इसके डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे उस क्षेत्र में एवरेज रेन जो रेनफॉल है वो है तो इतना ही 100 to 200 centimeter, बट ड्यूरेशन ऑफ द रेन वो थोड़ा सा खिंच जाता है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद। अब ये जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो ह्यूमिड है पास वाला, और दूर वाला थोड़ा सा वहां पे कम ह्यूमिड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है अल्प आर्द्र, उसमें तो ह्यूमिडिटी है लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम है। टेम्परेचर में फर्क मिलेगा, कोस्टल लाइन के टेम्परेचर के पास जाएंगे तो ह्यूमिड ज्यादा मिलेगा, कोस्टल लाइन से दूर जाएंगे तो ह्यूमिड थोड़ा सा कम मिलेगा। तो कोरोमंडल पे जो तट के किनारे पे जो औसत टेम्परेचर है जनवरी का वो है 28 से 38, और जुलाई का होगा 20 से 30 degree centigrade के आसपास। ये मैंने फिर से उल्टा बता दिया, लिखने से ये समझा सकता हूँ उसको, मैं उसको रब कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया है भारतीय मौसम विज्ञान जलवायु को या मौसम को दो भागों में विभाजित करता है, पहला जनवरी में और दूसरा है आपका जुलाई में। तो सब ह्यूमिड लिट्रल अल्प आर्द्र तटीय जलवायु का जो मौसम है, जनवरी के मौसम में ये होगा 28 से लेके 38 degree,
फिर से मैं 6 महीने जो ये चल रहे हैं इस पे चलता हूँ, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जुलाई का होगा आपका 28 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, वो ऐसी गलती करते रहते हैं, मैं उनसे सीखते रहता हूँ कि ऐसी गलती ना हो। जनवरी का जो मौसम होगा उसमें जो एनुअल टेम्परेचर होगा एवरेज टेम्परेचर वो 20 से 30 डिग्री, और जुलाई का होगा 28 से 38 डिग्री। तो ये जो जितने भी मौसम है, जितने भी क्लाइमेट है, ये आपके रेनफॉल तो यहाँ पे अच्छे हैं, 100 से 200 के बीच में, एवरेज की बात की जा रही 200 से ऊपर भी जाता है। तो वहां पे राइस का जो प्रोडक्शन है, राइस का जो उत्पादन है, वो बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन, ये गैंगेटिक प्लेन। अब नया टॉपिक है आपका सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को बोलते हैं अल्प आर्द्र महाद्वीपीय। लिख देता हूं, ये ब्लैक कलर अच्छा होता है इंक में या फिर रेड, अल्प आर्द्र महाद्वीपीय। ये जो कॉन्टिनेंटल की बात की गई है यहाँ पे, तो ठीक से आप इसको देखेंगे, ये इंडिया का मैप है इस टाइप से। मैं कितने मैप बनाता डेली, है ना, थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे सही है। तो ये जो जलवायु है आपकी उत्तर भारत में मिलती है, इस टाइप से देखेंगे आप इसको। उत्तर भारत में जो जलवायु मोस्टली कहाँ पे, इधर तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर आपकी इंडस है, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे जो ये एरिया है आपका, इसको बोला जाता है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन, अब गैंगेटिक प्लेन में जलवायु मिल तो रही है, तो यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो होगा 75 से लेके 150 सेंटीमीटर का। इसमें आपकी सभी टाइप की फसलें मिल जाएंगी, चाहे आपकी इसमें कैश क्रॉप्स हो या इसमें मल्टी ग्रेन फ्रूट हो, जैसे चावल हो गया, राइस, वीट, ग्राम और तेल वाले ऑयल सीड्स, सारे इसमें आपके अच्छे प्रकार से प्रोडक्शन दे जाते हैं। अब इसमें जो है जुलाई का जो औसत तापमान होगा वो होगा इसमें 54 डिग्री के आसपास लगभग, यानी कि 50 से लेकर 54 तक, जिसमें कहते हैं भैया इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे धूप में भी अगर नॉर्मल पानी रखोगे वो भी बॉयल हो जाएगा, अगर किसी उस पे लोहे के आयरन पे हमने अंडा भी फोड़ के गिर दिया तो वो भी इसमें ऑमलेट बन जाता है। और जो जनवरी का टेम्परेचर होगा वो होगा, ये तो हो गया आपका जुलाई का टेम्परेचर, एंड जनवरी का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 17 to 25 डिग्री। ये जो मेंशन किया गया है ना 17, 25, 50 to 54 टेम्परेचर, ये जो डेटा है जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है ये वहां से लिए गए हैं, लेकिन ये बुक में भी मिलते हैं। बुक के आसपास अगर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसे थोड़ा सा 17 से भी कम जाएगा इस साइड में, और ये 25 से थोड़ा इस साइड जाएगा, और ये जैसे 54 का है ये 45 तक आ जाएगा, और जो 54 वाला है ये ऑलमोस्ट 60 तक भी चला जाता है। ये किसी किसी दिन स्पेशल मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे औसत तापमान की, औसत वर्षा की। औसत वर्षा जो एक साल में वो है 75 से लेके 150 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जनवरी का है 17 से लेके 25 सेंटीमीटर, और जुलाई का है 50 से लेके 54 डिग्री सेंटीग्रेड। सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, इसको बोलते हैं अल्प आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। इसके अलावा जो है सेमी एरिड ट्रॉपिकल, एरिड का मतलब होता है सूखा, कुछ और भी होता है इसको बता दूंगा मैं अभी। अब देखेंगे सेमी एरिड ट्रॉपिकल है तो उसकी जलवायु कैसी होगी। अर्ध शुष्क, सेमी जैसे होता है ना सेमी सर्कल, तो अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क उपोष्ण, ट्रॉपिकल है तो उपोष्ण है। अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु। अब इसके बारे में जो है इसमें देखेंगे, इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, सेमी एरिड मैप है इसके आगे। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, यही समझा देता हूँ, ये ज्यादा बेस्ट ये वाला मैप रहेगा, पर इसमें समय काफी खराब होता है इसको रब करने में।
नो कमेंट स्टिल। चलो कुछ लोग तो देख तो रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो अब इसके बारे में जो मैं बात कर रहा था आपको, सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल। सेमी मतलब अद्र आद्र, एरिड मतलब शुष्क, ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण। सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। डियर फ्रेंड, अब ये जो जलवायु है हमारी जो मोस्टली मिलती है, ये पश्चिम का प्रायद्वीप, देखो प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप एक ऐसी जगह है जो तीन साइड से पानी से घिरी हुई हो। देखेंगे ना, इधर आपका अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशियन है। तो इधर ये अरब सागर, इधर इंडियन ओशियन और इधर बंगाल की खाड़ी है ना। तो जो प्रायद्वीप बन गया तो आपका ये वाला एरिया होगा ना, यहाँ से लगा के ये यहाँ तक का एरिया, जहां से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, पास होती है उससे नीचे का एरिया। तो इसमें अधिकांश क्षेत्रों में आपका जो है इस टाइप की जलवायु मिलेगी, जैसे कि पूरब का राजस्थान, दिस वन इट्स फाउंड इन ईस्ट राजस्थान, जैसे कि राजस्थान में ये जयपुर का एरिया हो गया, दौसा का एरिया हो गया, इस टाइप से ईस्ट राजस्थान। अब ईस्ट राजस्थान है तो इधर का कौन सा हो गया, वेस्ट मध्य प्रदेश, और वेस्ट मध्य प्रदेश के आसपास जो उसके थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे हम, सॉरी इस ऊपर चले जाएंगे, ये हरियाणा का वाला पार्ट है, हरियाणा को चार पार्ट में डिवाइड करो तो ये साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। चार प्रकार के राज्यों में या चार प्रकार के जलवायु में आपको इस टाइप की विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो आपकी सेमी एरिड हो। एरिड की बात करेंगे तो कंप्लीट एरिड की बात करते हैं तो राजस्थान का जैसलमेर का एरिया चले जाओ ना तो आपको एरिड जलवायु मिल जाएगी। सेमी की बात कर रहा है जहां पे थोड़ी सी शुष्क हो, थोड़ी सी नमी हो, जैसे हम बताते ना सेमी सर्कल, ये सर्कल है आपका, सेमी सर्कल ये वाला हो गया यानी कि अर्ध, सेमी से अर्ध, एरिड सूखा या शुष्क, ट्रॉपिकल उपोष्ण और क्लाइमेट। तो पता ही है आपको जलवायु, तीनों चीजें ऐसे करके याद रखो। अब प्रायद्वीप भारत की बात की जा रही है इसमें, तो मोस्टली ये मिलेगी आपको पूर्वी राजस्थान, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन। अभिषेक शर्मा हेलो जी, दोस्त अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइए, कुछ डाउट हो तो भी पूछना, क्योंकि आप लोगों का डाउट पूछना उसको दूर करने से ही क्लास को अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ईस्ट राजस्थान, अब ये आपका एरिया है, देन ईस्ट राजस्थान ये वाला, वेस्ट मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का पूरा एरिया है तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, वेस्ट मध्य प्रदेश, और इधर ऊपर हरियाणा का हिस्सा है, और हरियाणा का हिस्सा है तो कौन सा है, ये स्टेप से हरियाणा है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, साउथ वेस्ट हरियाणा, और ये पंजाब का एरिया है। तो ये वाला एरिया कौन सा कवर करेगा दूसरे को, ये है आपका दक्षिणी पंजाब। तो मैंने लिख दिया आपको ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट हरियाणा एंड साउथ ऑफ पंजाब, ठीक है ना। आप इसको ठीक से समझ लेना और जो डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। अब इसके बाद है सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, या इसके बाद हम सीधा पढ़ लेते हैं एरिड जलवायु, शुष्क जलवायु, एरिड, इसको रब कर देता हूं क्योंकि ज्यादा स्लाइड्स बनाने से फायदा नहीं होता, बस मैप बना होना जरूरी होना चाहिए। अगर मैं थ्योरिकल पढ़ाने में चलूं आपको तो आप बोलोगे बोरिंग हो रहा है, मैप के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चलता है। तो उसके लिए आपके लिए बेटर है कि आप लोग भी ना एक ऑक्सफोर्ड का मैप आता है वो साथ लेके बैठा करें तो ज्यादा आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। या आपको ये पता होना चाहिए भारत में कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सी सीमा रेखा कहाँ पे है, कौन सी कोस्टल लाइन कहाँ पे है, आपके हाथ पे अगर रटा हुआ होगा ना तो आप उसको ठीक से समझ सकते हो। खैर मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। कुछ टूल्स मुझे यूज करने नहीं आ रहे इसके अभी, ताकि जिससे हम जल्दी साफ कर दूं एक ही बार में, है ना, थोड़ा समझने में देर भी लगता है कभी कभी।
ये देखो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट। अभिषेक शर्मा अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लो। एरिड क्लाइमेट का मतलब है शुष्क जलवायु। ठीक से देखो, जब मैंने आपको सेमी एरिड बताई थी तो इधर का एरिया कवर किया था ना, ये वाला। अब पूरी की पूरी एरिड जलवायु पूछी जा रही है तो हम इधर चलेंगे, इधर वाले एरिया में। तो ये कौन कौन से एरिया बनेंगे आपके शुष्क जलवायु के? पहली बात, ये होगा आपका वेस्ट राजस्थान, जहां पे आपका जैसलमेर और बीकानेर के एरिया है। वेस्ट राजस्थान सब में जाएंगे तो जैसलमेर, एक्चुअल में अभी एक पेपर में आया था, जैसलमेर में बहुत पहले एक नदी बहती थी, दो नदियां के प्रमाण मिले हैं जिनसे वहां की जो उत्पत्ति है या वहां पे जो सिविलाइजेशन है बहुत ज्यादा डेवलप थी। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में इस एरिया में घग्गर नदी के मिलने के प्रमाण मिलते हैं ना, तो घग्गर के अलावा दो नदियों के प्रावधान और प्रमाण मिले हैं इसमें। अब वो नाम तो उसका नहीं बताया गया अभी तक कौन सी नदी होने के, लेकिन नदी के होने के प्रमाण जरूर मिले हैं। तो कौन सा एरिया है आपका? जैसलमेर और लोअर एरिया बीकानेर, जो आपके वेस्ट राजस्थान को टच करते हैं। और दूसरा चले जाएंगे हम दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, जो हिसार का एरिया है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, थोड़ा सा और फैल जाएगा इधर को, ये हिसार वाला एरिया। ऑयल सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ तीसरी कंडीशन तो कुछ है नहीं इसमें, कच्छ तक तो नहीं जाएगा ये एरिया, लेकिन एवरेज की बात करें रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल ये है आपका 25 से कम, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया इज, सभी को पता है दिन बहुत गर्म होंगे रात बहुत ठंडी होगी, दो टेम्परेचर होंगे जनवरी के सीजन का और जुलाई के सीजन का। तो जनवरी में जो टेम्परेचर है मोस्टली ये जाएगा 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में जाएगा 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। टेम मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल मतलब वर्षाकाल, और वर्षा जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम होती है एनुअली। एरिड की बात भी होगी, सेमी एरिड हो गया। और इसके बाद है हमारा वेस्टर्न हिमालय, जहां पे ये टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको भी साफ कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ज्यादा स्लाइड्स बनाने में फायदा होता है कि जल्दी जल्दी खिंचता है। यह है आपका वेस्टर्न हिमालय, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी हिमालय। ये कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा सही रहेगा। पश्चिमी हिमालय दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने का मजा तब है जब काउंटर क्वेश्चन होते हैं। वेस्टर्न हिमालय देखो जो इसकी स्थिति है वो आपके पीर पंजाल से स्टार्ट होके ये आपका नीचे वाले एरिया जो है इसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी, और नीचे तक आ जाएंगे तो शिवालिक श्रेणी तक इसका चर्चा मिलती है। अब इसमें जो है इसका जो फैलाव है पश्चिमी हिमालय का जो एक्सपेंशन है वो आपका मिलेगा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, हिमाचल और साथ में उत्तराखंड।
तो चार फॉर्मेशन में ये आपको पश्चिमी हिमालय दिखाई दे रहा होगा, जो कश्मीर से स्टार्ट होके लद्दाख की तरफ को मूव करता है पीर पंजाल सीरीज से, फिर नीचे आएगा ये महाभारत की सीरीज तक, क्या बोलते हैं, जहाँ पे हिमाचल है उससे नीचे आएंगे तो ये केदार और बद्रीनाथ मिलेंगे आपको, जहाँ पे उत्तराखंड का एरिया है। तो ठीक से आप इसको देखेंगे पश्चिम हिमालय का फैलाव कहाँ पे है। अब इस एरिया में जो टेम्परेचर होगा जनवरी का, बताया है मैंने भारतीय मौसम विज्ञान टेम्परेचर को दो भाग में मापता है, एक तो होता है जनवरी के सीजन में और एक होता है जुलाई के सीजन में, जिसकी हम बात कर रहे हैं एवरेज सीजन। तो जनवरी के मौसम में रहेगा ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 से नीचे भी जाएगा, -10 -3 तक, है ना। अब ये जो है इसमें जो जुलाई का टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या बोलते हैं मोस्टली मई जून जुलाई अगस्त, और जो इसके 3 महीने हटा दो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें इस टाइप से ये मौसम बटे होते हैं। अब इसमें जो आपका एवरेज रेनफॉल है ये होगा ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर इस सीजन में 150 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा बरसात हो जाए तो दोस्तों मैसिव फ्लड आने के चांस होते हैं, मैसिव फ्लड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बाढ़। लेकिन ठीक इसी का प्रारूप अगर देखें हम 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उसमें जो एनुअल बरसात हुई थी 150 से ना हो गए, वो लगभग 650 सेंटीमीटर के आसपास हो गई थी उसी एरिया में, तो मैसिव फ्लड तो उसमें लाजमी आना ही था। अब इसके अलावा जो है सेमी एरिड ट्रॉपिकल की बात, एक सेमी एरिड हो गया, एक एरिड हो गया, और तीसरा बचेगा सेमी एरिड ट्रॉपिकल। चलो इसको साफ कर देता हूं, जल्दी साफ हो जाएगा भाई, इतना टाइम मत लगाया, अगर किसी स्टूडेंट के पास समय नहीं है क्लास देखने का। अनुपम कुमार गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, गुड नाइट, जाओ सो जाओ, लेट हो रहे हो। तो वैसे मुझे लग रहा आप गुड इवनिंग बोलने वाले थे। हाँ साफ हो गया तो इससे समझ में आपको जल्दी से आ जाएगा। द सेमी एरिड ट्रॉपिकल, कौन सी बताई मैंने आपको, पहले बताई सेमी एरिड, फिर एरिड, और इसमें दोनों को मिला के उपोष्ण जोड़ देंगे ट्रॉपिकल, तो ये बन जाएगी सेमी एरिड ट्रॉपिकल जलवायु। लास्ट वाली है सेमी एरिड ट्रॉपिकल। और जो हिंदी भाषी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उसको बोलेंगे, देखो सेमी को क्या बोलते हैं, अर्ध, एरिड को शुष्क, ट्रॉपिकल को उपोष्ण। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बातें नहीं होती कि अर्ध शुष्क उपोष्ण क्या हो गया, अरे भैया शुष्क है उपोष्ण है, लेकिन उसका भी अर्ध में है, आधे में है। तो इसको ठीक से देखेंगे आप, इसको ये जो जलवायु है इसका जो एवरेज रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल ये होगा आपका 50 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर, एनुअल की बात की जा रही है। और जो टेम्परेचर होगा वो 26 से 41 डिग्री, आपको बताया ही मैंने दो पार्ट में बटा होता है, 26 से 41 डिग्री जो होगा वो आपका जुलाई के मंथ में होगा, और 15 से 28 डिग्री आपका जनवरी के महीने में होगा। तो ये जो एरिया कवर करेगा सेमी एरिड ट्रॉपिकल जोन, ये कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो सेमी भी है, एरिड भी है, और ट्रॉपिकल भी है। देन ट्रॉपिकल आपका इसके नीचे नीचे होगा, है ना। एरिड, एरिड का मतलब ये जहाँ पे जलवायु तो पहुंच रही है लेकिन बरसात कम हो रही है, ये वाला एरिया, और ट्रॉपिकल जहाँ पे मानसून वाला क्षेत्र है। तो इसमें है आपके एरिया तेलंगाना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, थ्री प्लेस और थ्री स्टेट ऑफ इंडिया आर कवर्ड बाई सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच हैज
एवरेज रेनफॉल 50 to 10 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर, और एवरेज टेम्परेचर ऑफ द जनवरी इज 15 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जुलाई टेम्परेचर इज 26 degree to 41 degree सेंटीग्रेड पर ईयर। एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि हवा में बात चल रही है। अब इसके अलावा भारत में जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, वो कहाँ कहाँ पे है, कैसी कैसी है और एरिया वाइज कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो मैं चेंज कर दूं। सूखा और सूखा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चीज पे हम लौट के आएंगे। सूखा मतलब ड्रॉट, ये तो सभी को पता है। और सूखे की परिभाषा भारत में है क्या? सूखे का मतलब है कोई भी मंथ हो और एक लॉन्ग टाइम पीरियड मंथ खिंच जाए दूसरे मंथ तक, तीसरे मंथ तक, मंथ ए से मंथ जेड तक कुछ भी हो, जिसमें जो रेनफॉल है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई बरसात नहीं हो रही है। देखो उसका सही तो आ रहा है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं होती, तो वो है एक टाइप का आपका ड्रॉट। लेकिन जो भारतीय मौसम विज्ञान है वो ये कहता है लगातार 22 दिनों तक किसी क्षेत्र में, लगातार 22 दिनों तक किसी क्षेत्र में 0.25 मिलीमीटर बरसात अगर नहीं होती है तो वो एरिया आपका ड्रॉट कहलाएगा। इफ एन एरिया ड्राई ड्रॉट इज ए कंटिन्यूअस लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच हैज नो रेनफॉल is recorded according to the meteorology department of India, है ना? और इसके अलावा if rainfall is not more than 0.25 millimeter in consecutive 22 days, तो वो जो टाइम पीरियड है सूखे में घोषित होगा। लेकिन आप ठीक से देखेंगे ना, इस चीज को जो भारतीय जलवायु है वो थोड़ी सी अन्य देशों की अपेक्षा में अलग टाइप की है। जैसे कि हम चले जाएं नॉर्थ ईस्ट की साइड में, वहाँ पर रोज बरसात हो रही है, जैसे कि चेरापुंजी, मॉन्सिरोम, सभी को पता है, असम, सिक्किम नहीं दार्जिलिंग और मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं बहुत छोटी हैं, लो प्रेशर बनता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला, तो बरसात वहाँ पे हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हम पश्चिमी साइड में चले जाएंगे, गुजरात, कच्छ वाला एरिया या इसके ऊपर वाले एरिया, पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल, वहां का जो रेनफॉल है वो एवरेज 0.25 से भी कम आ जाता है कभी कभी। वहां पे तो प्रत्येक 3 वर्ष में एक वर्ष ड्रॉट ईयर डिक्लेयर किया जाता है। 1 year in every 3 year डिक्लेयर ड्रॉट इन वेस्टर्न राजस्थान। अब भारत की जो हम रिकॉर्ड की बात करें, पूरे 5 सालों में कोई एक साल ऐसा आ जाएगा बीच में जिसमें सूखा घोषित किया जाता है कि भैया मानसून अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे सूखा पड़ गया, एवरेज रेनफॉल डिटेक्ट हो गया या एवरेज रेनफॉल रिड्यूस हो गया। वो होता क्यों है? क्योंकि भारत की जो मानसून है या जो बरसात है वो डिपेंड है टोटल हमारी मानसून पे, बरसात है ना, और मानसून गेट वीकर ड्यू टू एल नीनो, कल समझाया था। और एल नीनो कहाँ पे डेवलप होता है आपका? ये होता है आपका दक्षिणी अमेरिका के तट पर। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, कौन सा देश का नाम है? वो है चिली। और एल नीनो प्रत्येक 8 से 10 वर्ष में विकसित होता है, जिसका जो बहाव होता है वो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ हो जाता है, कल समझाया था, उस बात पे हम दोबारा नहीं जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूखे की। सूखे में मैंने आपको दो चीज बताई है अभी तक, ठीक से इसको देखेंगे। जो भारतीय मौसम विज्ञान है वो ये कहता है अगर 22 दिनों तक किसी भी क्षेत्र में 0.25 मिलीमीटर बरसात नहीं हो रही है तो वो एरिया सूखा कहलाएगा, ड्रॉट कहलाएगा, है ना? अब ये जो अजम्पशंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है, मैंने आपको पढ़ाया है 10 टाइप की है, और 10 टाइप की कौन कौन सी है? हमारी है द वेस्टर्न क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड ट्रॉपिकल, सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, सेमी
सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल ह्यूमिड है, फिर उसके बाद ह्यूमिड सह्याद्री है, सब ह्यूमिड है, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है, और ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट है। सबके सब अलग अलग है, सबके रेनफॉल अलग है, सबके सबके टेम्परेचर अलग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे देश में लागू ना किया नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि सूखा बेसिकली है क्या। अब इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूं, भारत में जो जलवायु चेंजेस है, डेरिवेबल है, परिवर्तनशील है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर किसी जलवायु का परिवर्तनशील एरिया 20% से अधिक हो, यानी कि 20%, जैसे वार्षिक वर्षा है हमारी क्या बोलते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर है मानसून सीजन से भी, अगर इसका 20% से थोड़ा सा अधिक हो जाए, बरसात कम हो जाए इससे, यानी कि 80 वाला 8 16 सो वाली खिसक के अगर 80 पे आती है, तो भैया ये जो है सूखा प्रवण क्षेत्र कहलाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र का मतलब होता है ड्रॉट प्रॉन रीजन, ड्रॉट प्रॉन रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा चीजों को समझने के लिए आगे चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था जो कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स होंगे, 1 2 3 4 5, भारत में एवरेज है कि जो 5 साल की हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 से लेके 5 साल, तो दोस्तों इसमें जो 1 साल कोई सा भी होगा वो सूखा डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि एल नीनो की वजह से मानसून हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है। यानी कि 1 ईयर डिक्लेयर एज ए ड्राई ईयर, डिक्लेयर एज ए ड्राई ईयर इन एवरी 5 ईयर। ठीक है ना, यानी कि 5 सालों में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा या जो मौसम होगा सूखे का, वो हर 5 साल में एक होगा। अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की या कंप्लीट राजस्थान की, तो वहां पे प्रत्येक 3 साल में एक सीजन हमारा ड्राई सीजन होगा। तो अगर ड्राई सीजन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मूंगफली है, ऑयल सीड्स हैं, ये तो ज्यादा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका 1 साल में हो रहा है, तो भैया यहाँ पे ग्रेन्स ज्यादा हो जाएंगे, और जिस दिन जिस ईयर मानसून कम होगा और क्लाइमेट चेंज होगा, तो ग्रेन का जो प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये तो फर्क है। अब इसके अलावा भारत में जो सूखा प्रवण क्षेत्र है वो 3 है। जो भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र है वो 3 है। जैसे कि हम बात करेंगे राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क, राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब इसके बारे में कोई हिंदी मीडियम वाला हो, कंफ्यूजन हो कि भैया हिंदी भी समझ में नहीं आ रही, तो शुष्क को बोलते हैं हम एरिड, और अर्ध शुष्क को बोलेंगे हम सेमी एरिड। जोन, और कहाँ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की, राजस्थान का अर्ध और शुष्क क्षेत्र क्षेत्र। तो इसमें जो मोस्टली आपका एरिया कवर होगा, अब ठीक से देखेंगे, ये गुजरात का जो ऊपर वाला एरिया है, ये गुजरात हो गया, ये वाला जो एरिया है उत्तरी गुजरात, जैसे मैंने लिख देना स्पेशल राजस्थान का नाम लिखा है, एरिड की बात कर रहे हैं, तो गुजरात का उत्तरी एरिया, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आगरा ब्लॉक पूरा, आगरा प्रखंड, आगरा प्रखंड दोस्त वो मिलेगा आपका जो आपका क्या बोलते हैं जिधर वो मथुरा वगैरह का एरिया है ना, और उससे जो एरिया आपका राजस्थान की तरफ को जा रहा है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आगरे की साइड से जो एरिया आपका राजस्थान की तरफ जा रहा है आगरा प्रखंड, वो आपका शुष्क और अर्ध शुष्क में काउंट होगा। और तीसरा एरिया इसमें जो शामिल है वो है आपका उत्तर पश्चिम हरियाणा, उत्तर पश्चिम हरियाणा। नॉर्थ वेस्ट हरियाणा एंड ब्लॉक आगरा, और तीसरा है
नॉर्थ गुजरात। अब दोस्तों इसके अलावा जो इसमें होगा ये होगा कि ये जो पूरा एरिया है ये लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा एरिया है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो पहला तो आपका ये हो गया, और जो दूसरा एरिया है वो है आपका पश्चिमी घाट का वृष्टि क्षेत्र, यानी कि वेस्टर्न घाट। नया स्लाइड्स बनाने की कोशिश कर देता हूँ, जूम इन ऑल स्लाइड्स, पता नहीं कैसे आएगी। ऐसे करके थोड़ा सा अभी तक भी हाथ साफ नहीं हो पा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। अब जो दूसरा है इसमें वो है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। ड्रॉट प्रोन एरिया, DRAUGHT, ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ वेस्ट घाट या वेस्टर्न घाट। इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों देखेंगे ये एरिया है ना वेस्टर्न घाट ही तो है आपका, जो आपका गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जा रहा है। ये शायद आपको इतने में दिख नहीं रहा होगा, ये आपका कन्याकुमारी तक जा रहा है, कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों इट्स स्टार्ट फ्रॉम सह्याद्री माउंटेन, स्टार्ट फ्रॉम सह्याद्री माउंटेन, और दूसरा जो सह्याद्री माउंटेन का जो सब रीजन पड़ेगा वो पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र। और ये कहाँ तक कवर करेगा आपका जो एरिया कवर करने वाला है इसमें, एरिया ऑफ द वेस्ट वेस्टर्न घाट, ये बीदर करेगा, क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटक का गुलबर्गा, और इसके अलावा ये जाएगा आपका बीजापुर महबूब नगर, बीजापुर महबूब नगर, और उसके अलावा ये जाएगा तेलंगाना कोयम्बटूर। ये सारे के सारे आपके जो एरिया होंगे ये वेस्टर्न घाट के लैटिट्यूड पर चलेंगे इस टाइप से, इस कॉर्निक शेप में। कौन सा एरिया है? ड्रॉट प्रॉन एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट के हम इधर इधर चलेंगे ना, इधर तो हरियाली है, लेकिन जैसे ही हम डेक्कन के प्लेट्यू में जाएंगे तो ड्रॉट एरिया हमें उधर मिलेगा, जिधर जैसे कि गुलबर्गा का क्षेत्र हो गया, बीदर का क्षेत्र हो गया, बीजापुर का हो गया, महबूब नगर, तेलंगाना, और उसके अलावा थोड़ा जाएंगे रामनाथपुरम, मदुरई, सेलम, ये पूरे तमिलनाडु के एरिया तक यूं करके जाएगा। ये पता तिरछा क्यों है इस टाइप से? ये इस टाइप से इसलिए है, द स्लोप ऑफ दिस डेक्कन प्लेटू फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड, दैट्स वाई विच रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड दे आर ड्रेनेज और माउथ और डिस्चार्ज पॉइंट ऑन द ईस्टर्न घाट। थोड़ा सा टिल्ट है ना, टिल्ट है तो वेस्टर्न घाट ऊपर है, ईस्टर्न घाट नीचे है, तो जब नदी आपके ऊंचे वाले एरिया से निकलेगी तो कहाँ जाएगी? निचले वाले एरिया पे जाएगी। ठीक से इसको आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो है तीसरा वाला जो एरिया पड़ेगा वो सारे देश को कवर करेगा, अदर ड्रॉट प्रोन एरिया, बाकी के सारे इसमें कवर होंगे। इसको मैं कर देता हूं, रुको एक मिनट जरा। अदर ड्रॉट प्रोन एरिया, अब दूसरे जो है जैसे कि आपको बताया पश्चिमी राजस्थान की बात हो गई, यहाँ पे डेक्कन के प्लेट्यू की बात होगी, जो आपके मदुरई, सेलम, बीजापुर, बीदरपुर, महबूब नगर, सेलम, मदुरई,
और गुलबर्गा, हैदराबाद, इस बारे में चर्चा कर दी। अब जो अदर ड्रॉट प्रोन एरिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका जो एरिया है लगभग वो है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है तो कवर करेगा ये बघेलखंड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर इज द बघेलखंड। विशु विष्णु आईपीएस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। बघेलखंड, और बघेलखंड के अलावा दैट्स ग्रेट पंडित जी ओवर एमपी, बघेलखंड को कवर करता है। और दूसरा है यार, चलो बताओ, कोयम्बटूर, वेयर इज द कोयम्बटूर? वेयर इज द कोयम्बटूर दोस्त? नंबर थर्ड मदुरई एंड बुंदेलखंड, एंड बुंदेलखंड। अदर ड्रॉट प्रोन एरिया इज कवर्ड बाय दीज प्लेस, बघेलखंड इन एमपी, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, मदुरई ऑल्सो इन तमिलनाडु, एंड बुंदेलखंड इज द पार्ट ऑफ द यूपी एंड एमपी। अब दोस्तों इसको आप मैप में ठीक से समझेंगे, देखो इस टाइप से अदर ड्रॉट एरिया, हैदराबाद यहाँ पे था तो वो आपका सह्याद्री ड्रॉट प्रोन में था। उसके नीचे जो जा रहे हैं हम, जिसको बात कर रहे हैं हम, कोयम्बटूर। बेसिकली कोयम्बटूर जो है माउंटेन्स एरिया है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स है, तो बरसात का पानी, मानसून का पानी वाष्पोत्सर्जन करके उधर प्रॉपर लेके नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ये एरिया ड्राई रह जाता है। मदुरै अगर आप गए होंगे, वहां पे मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो वो जो एरिया है एरिड जोन में इंक्लूड है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी फसलें भी ऐसी हैं जो एवरेज जो वहां का रेनफॉल है तो ये पूरा ईस्टर्न घाट पे 100 से 200 डिग्री है, 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर है, लेकिन लेस देन 100 रह जाता है ये, लेस देन 100। बुंदेलखंड का जो एरिया है वो आपका एमपी और यूपी में है, तो दोस्तों ये एक टाइप का ड्राई जोन है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन इधर चला जाएगा, तो ये बरसात जो होगी यहाँ पे लो प्रेशर से होगी, इधर आपकी निकल जाती है रिफ्ट वैली में नर्मदा, तो जो उसकी रिफ्ट वैली जो निकलती है तो जो लो प्रेशर बनाएगी वो इस जोन में बनाएगी, ना कि इस जोन में, तो इस नदी से कोई, मतलब इस जोन से कोई मुख्य नदी निकल नहीं पाती, बुंदेलखंड से मुख्य नदी की बात कर रहा हूँ। और जो जो क्षेत्र है वो काफी रूप में फैला हुआ है, बृहत है, व्यापक है, तो इसमें जो अदर ड्रॉट प्रोन एरिया होगा वो देश के वो होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जैसे बघेलखंड एमपी, कोयम्बटूर तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु, बुंदेलखंड आपका कहाँ पड़ने वाला है, एमपी और यूपी में। अगर इसके अलावा हम चलें, मैं पूछूं आपसे कि भैया कालाहांडी कहाँ पे है, किस लिए फेमस है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कालाहांडी में भी है, और इसके बाद पुरुलिया, ये तो बहुत चर्चा में रहता है पुरुलिया भी, एंड थर्ड है आपका पलामू। Where is this place? कालाहांडी, पुरुलिया एंड पलामू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखते हैं भारत में किस किस क्षेत्र में या किस किस स्थान में ड्रॉट यानी सूखे की समस्या का समाधान या सामना करना पड़ा था, और सूखे को हम कैसे हम ले सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है, काफी समय है अभी तो दोस्तों। मेरी जो दूसरी क्लास होगी अभी क्या बोलते हैं, अनअकैडमी के ऐप पर होगी, करंट अफेयर्स का, और उसमें क्या बोलते हैं टॉपिक होंगे आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री, न्यू अपॉइंटमेंट, डील्स, देख लेना आपके अकॉर्डिंग सारा कुछ मिल जाएगा। थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो उस पे अनअकैडमी के सर्च पे करना कृपा शंकर, KRIPA शंकर। तो माय डियर फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कॉपी पेन लेके बैठना, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख करते रहना। नोट कर लिया, हटा दूं अब इसको। हाँ दोस्तों, सूखे की बात कर रहे हैं हम, अभिषेक शर्मा, कोई डाउट हो तो पूछो, अनुपम कुमार कोई डाउट हो तो पूछो, और विष्णु आईपीएस,
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी हिंदी और इंग्लिश. पंडित जी प्लीज पूछो कोई. योगेश राय मोटिवेशनल क्वोट्स बाय मनीष. अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या आप समझ रहे हो? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रॉट इन ईयर. इसमें जो है 1966 और 67 में, मतलब पूरा एक जोन होता ना कब से कोरोना आपको 19 से स्टार्ट हुआ 20 तक चला है तो 2019-20 लिखा जाएगा. देन 66 टू 67 में जो बिहार है वहां पे बृहत मात्रा में सूखा पड़ा था भैया. कहां पे? बिहार में. और इसके अलावा 96 और 97 में, 96-97 कालाहांडी. मैंने आपसे भी पूछा था कालाहांडी कहाँ पे है, आपने अभी तक बताया नहीं है. और इसके अलावा कालाहांडी के आसपास के जो एरिया है, सीमांत एरिया, तेलंगाना, अब तो समझ जाओ कि आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में है, और एपी, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में 1996 में 97 में बहुत ही मतलब भयानक सूखा पड़ा था जिसमें किसानों की जो पूरी फसलें थी वो उगी नहीं पाई थी, यानी कि खाद्यान्न का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. अब इसमें से हुआ क्या था, जो गुजरात कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो बहुत सारे किसान थे, लाखों किसान, आपको भी बताया था कि जो मेरी कल क्लास है 7:55 से स्टार्ट होगी और जो टॉपिक होगा वो कल वो मेरा टॉपिक होगा ओशनोग्राफी. और ओशनोग्राफी के अलावा जो सूखा प्रबंधन ड्रॉट मैनेजमेंट उसके बारे में बात करेंगे. और ये जो है आज की क्लास में समाप्त करने वाला हूँ. तो आप ना ये जो मेरा कोड है KRIPA न्यूमेरिक में 1, प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करते वक्त इसको ऐड करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा दोस्तों. 10% का जो डिस्काउंट है जो इसमें मेंशन किया गया है वो आपको प्रॉपर रूप से KRIPA न्यूमेरिक में 1 जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो 12 महीने की फीस है वो जो थी ना 46,000 समथिंग, तो उसमें आपको टोटल डिस्काउंट दे दिया जाएगा. आप इसको ठीक से देखेंगे आप एक बार, जो फीस है पूरी 12 महीने की वो है 49,500 रुपए. उसमें जैसे ही आप KRIPA न्यूमेरिक में 1 ऐड करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट अलग से दे दिया जाएगा. तो मैं ये बात आपको यहाँ ही बता रहा हूँ क्लास खत्म करते वक्त, KRIPA सब्सक्राइब करते वक्त डालिए और एडिशनल 10% का डिस्काउंट और ले लीजिए अनअकैडमी से. प्लीज डोंट फॉरगेट press like subscribe button and bell icon also. Thank you, good night, kal milte hain same time.